पिज्जा डिलीवरी वाला भूत। एक भूत अपनी बाइक पर बैठा जा रहा था। उसने अपनी बाइक के पीछे बहुत से डिब्बे रखे हैं और कुछ देर में वो एक जगह पहुंचता है। वहां का सीन बड़ा अजीब था। एक लड़का बैठा हुआ है जो कि मोटी मोटी रस्सियों से बंधा था और उसके चारों ओर आग जल रही थी। चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी। एक चूल्हे में एक बर्तन में खून उबल रहा था। एक भूत खाना बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ भूत का परिवार जमा हो। इन सब के पीछे क्या कहानी है, जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, विनोद अपने गांव से काम ढूंढने शहर गया था। वो बहुत गरीब और सीधा साधा था। हर कोई उसे आसानी से बेवकूफ बना लेता है। उसकी माँ ने उसे शहर जाने से बहुत मना किया, लेकिन घर के हालातों को देखकर उसने ठान लिया था कि वो शहर जाएगा। और फिर एक रात चोरी छुपे वो शहर चला गया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। घर के हालात की वजह से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। जब वो शहर जा रहा था, रास्ते में एक बस एक गांव से गुजरती है। सभी यात्री बस से खाना खाने नीचे उतरते हैं। थोड़ी दूर ही एक शमशान घाट था। वहां पर कुछ हलचल सी हो रही थी। विनोद इस बात से अनजान कि पास ही शमशान घाट है, उसे एक नल दिखता है और वो वहां जाकर अपनी पानी की बोतल भरने लगता है। लेकिन पानी की बोतल भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनोद हैरान था कि उसकी बोतल भर क्यों नहीं रही। तभी विनोद देखता है कि उसकी बस चलने लगी है और सब यात्री बस में बैठ गए थे। कंडक्टर आवाज लगाता है, अरे भाई जल्दी आओ। विनोद भी आधी भरी बोतल लेकर वापस बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ते ही मानो उसे एक झटका सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बोतल ना भरने वाली बात भी वो भूल गया। फिर सुबह तक वो शहर पहुंच गया। शहर पहुंचकर वो अपने चाचा के घर पहुंचा, जो कि दिखने में एकदम एक बाबा की तरह दिखते थे। प्रणाम चाचा जी। अरे विनोद बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाचा जी, मैं माँ को बताए बिना यहाँ आ गया। आपने बताने के लिए मना किया था ना, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ बेटा, वो बात दरअसल ये है ना कि तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर ऐसा क्यों चाचा जी? जाने दो बेटा, बहुत पुरानी बात है, मिट्टी डालो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे लिए मैंने नौकरी ढूंढ ली है, नहा धो लो, कुछ खा लो, फिर इस पते पर चले जाओ। विनोद नहा कर तैयार हो जाता है और अपने चाचा के बताए हुए पते पर चला जाता है, जहां उसको एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल जाती है। विनोद अब खुश था कि अब वो नौकरी कर रहा है और कुछ पैसे भी कमाने लगा है। एक दिन विनोद पिज्जा डिलीवरी करने एक घर में गया और उसने बेल बजाई। गेट एक आदमी खोलता है और विनोद पर गुस्सा करने लगता है। ये क्या है, तुम इतनी देर से आए हो, अब मैं ये पिज्जा नहीं लूंगा। इतना बोलकर वो आदमी गेट बंद कर देता है। तभी मोहन को एक झटका लगता है और वो देखते ही देखते एक भूत में बदल जाता है। वो भूत गेट को तोड़कर उस आदमी को मार देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर गुस्सा करे। वो वहां से चला जाता है। अपने कमरे पर पहुंचने के बाद उसने अपने चाचा जी को मारने की कोशिश की। चाचा जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग अंदर आए, लेकिन वो विनोद को हटा नहीं सके। उसने अपने चाचा जी को पकड़ा था। न जाने उसके अंदर कौन सा भूत घुस गया था। सब लोग भी मिलकर उसे खींच नहीं सके। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा था। कोई उसे काबू नहीं कर पा रहा था। उसने पूरे घर का सामान तहस नहस कर दिया और फिर कुछ देर में वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके चाचा जी की बुरी हालत हो गई थी। वो भी अपना सर पकड़कर एक जगह पर बैठ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर बाद विनोद उठता है और पूछता है, ये सब क्या हुआ चाचा जी, किसने किया ये? चाचा जी समझ जाते हैं कि विनोद पर किसी भूत का साया है। चाचा जी कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, एक तूफान आया था जिसकी वजह से ये सब हुआ। बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था, वो तुम्हें बुला रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आज ही जाना होगा।
ठीक है चाचा जी, आज रात की बस से चला जाऊंगा। पर रात होते ही उसे फिर वही दौरा पड़ता है और वो अपने चाचा जी को चाकू से मार मार कर घायल कर देता है। हाथ में चाकू लेकर वो सड़क पर चल रहा था। आस पड़ोस वाले कहने लगे, अरे ये तो पिज्जा डिलीवरी बॉय है, पर ये भूत जैसा क्यों लग रहा था? विनोद जोर जोर से चिल्ला रहा था, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरे सामने जो भी आया सबको मार दूंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। और वो उसी दुकान के अंदर जाता है और वहाँ भी सबको मार देता है और कुछ पिज्जा अपने हाथ में लेकर कहता है, किसको खाना है पिज्जा, आओ जल्दी से, नहीं तो सबको मार दूंगा। लेकिन सब डर के मारे अपने घरों में छुप गए थे, कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर में वो उसी जगह पहुंच जाता है। फिर सुबह हो जाती है। विनोद अपने गांव में होता है और उसकी माँ पूछती है, बेटा तू कहाँ चला गया था, इतने दिन बाद वापस आया है, और जब तू आया तेरे हालात बहुत बुरे थे, तेरे कपड़े बुरी तरह खून से सने हुए थे, हाथ में चाकू था, तू क्या करके आया था बेटा? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फिर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तू कहीं उस शमशान घाट तो नहीं गया, इस बीच जो हमारे गांव और शहर के बीच में पड़ता है? हाँ माँ, जब मैं यहाँ से गया था ना, तब हमारी बस एक जगह रुकी थी और मैं कुछ दूर पर पानी भरने गया था, पर माँ मुझे तो कोई शमशान घाट नहीं दिखा। पर माँ वो बड़ी अजीब सी बात हुई थी, जब मैं बोतल में पानी भर रहा था तो मेरी बोतल भरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जब मैं बस में चढ़ा तो मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया माँ। फिर तो पक्का तेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उस शमशान घाट में भूत प्रेतों का वास है, वहां कोई नहीं आता जाता। चल जल्दी हमें अभी शहर जाना होगा, तेरे चाचा जी वहां रहते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, वो भूत प्रेतों को भगाना जानते हैं। पर माँ वो तो मर गए। हे भगवान अब क्या करें? फिर वो गांव के एक पुराने काली माता के मंदिर में जाते हैं। वहां एक बूढ़े बाबा जी थे, वो विनोद को देखते ही समझ जाते हैं। दूर रह, इस मंदिर में मत आना, तेरे अंदर एक भूत है जिसने कई लोगों को मार डाला है। नहीं नहीं बाबा, हमारी मदद करो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। फिर उसकी माँ बाबा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, हमारी मदद करो। और फिर बाबा जैसे ही भभूति विनोद पर फेंकते हैं, उसे फिर से वही दौरा पड़ता है और वो पूरी तरह भूत बनकर बाबा की तरफ आता है। उज्जा मूर्ख, मंदिर में आने से तू जलकर भस्म हो जाएगा, अभी मैं तुझे भगाता हूँ यहाँ से। फिर एक और साया विनोद के शरीर से निकलता है। बाबा माता का त्रिशूल लाते हैं और उस साये पर पहले भभूत फेंकते हैं और फिर त्रिशूल से उसे मार देते हैं। उसके मरते ही विनोद भी जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर बाद उठता है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बेटे पर एक भूत का खतरनाक साया था जिसने कई लोगों को मार डाला था, तुम ठीक समय से मेरे पास आ गए, नहीं तो कुछ दिन में ये भूत तुम्हारे बेटे को पूरी तरह से अपने काबू में कर दुनिया का नाश कर देता। अब जाओ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और वो दोनों बाबा को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं।